कोरोना का फियर है तो आपको अपने हाथ को ऊपर उठाने में तकलीफ होती है या आप इसे ऊपर तक उठा नहीं पाते हैं। फियर क्या होता है, इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि रोटेटर कफ क्या होता है। रोटेटर कफ हमारे कंधे में कंधे की हड्डी स्केपुला से हाथ की हड्डी ह्यूमरस को जोड़ने वाली मांसपेशियां जो कि स्केपुला से चलकर हमारे ह्यूमरस हाथ की हड्डी पर जुड़ती हैं, उससे पहले ये टेंडन में कन्वर्ट होती हैं और चार मांसपेशियां जिनका नाम है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्केपुलरिस और टेरिस माइनर, इन मांसपेशियों के टेंडन आपस में जुड़ के कफ नुमा संरचना बनाते हैं। ये कफ हमारे कंधे को स्टेबिलिटी देने का काम करता है, उसके साथ ही साथ यह हमारे हाथ को ऊपर की ओर उठाने में भी मदद करता है या ऊपर की उठाने का काम करता है। जब कभी आपके कंधे में चोट लगती है जिसके वजह से हो सकता है कि रोटेटर कफ की कोई मांसपेशी या पूरा रोटेटर कफ यानी कि चारों मांसपेशियां भी फट सकती है। अगर आपको रोटेटर कफ टियर है तो आपको अपने हाथ को ऊपर उठाने में तकलीफ होती है या आप इसे ऊपर तक उठा नहीं पाते हैं। अगर आपको भी इस तरह की तकलीफ है तो आपको अपने आर्थ्रोस्कोपी सर्जन, स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। वो कुछ एग्जामिनेशन जैसे कि आपके शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं, नी टेस्ट, हॉकिंस केनेडी टेस्ट, इस तरह कई टेस्ट करके वो अपना एक टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाते हैं। इसके बाद हो सकता है वो आपको आपके कंधे की MRI के लिए सजेस्ट करें। अगर आपके MRI में वेरी स्मॉल टियर आता है तो हो सकता है यह फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेस कुछ दवाइयों से बिना किसी सर्जरी के पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका रोटेटर कफ टियर ज्यादा है, मैसिव कफ टियर है, तो इसकी आर्थ्रोस्कोपिकली दूरबीन की सहायता से सर्जरी की जाती है, जिसके बाद आप कुछ समय की फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज के बाद आप पहले की तरह पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं और इसकी बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।